रिखियासन बस से हम लोग ये संदेश देते थे कि मुसल समाज का किस तरह उदय हुआ। रिखियासन माने मुसहर जाति का पहला नाम था, ओरिजिनल नाम रिखियासन था। चूहा वूहा खाते नहीं थे, धीरे धीरे लोग चूहा खाने लगा तो इसका नाम मुसहर बन गया। पहले उन लोगों को लगता था कि ये लोग मुसहर बस ऐसे ही रहे, इन लोगों को कोई सेंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। हम लोग काम करते थे तो वो लोग खाना दूसरे थाली में देते थे, घर के अंदर नहीं जाने देता था, ये हम लोग ने देखा। मुझे पहले कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं बिहार में आने के बाद भेदभाव देखने को मिला है कि इन लोगों को कभी शादी ब्याह में कभी भी बुलाते नहीं थे, या कोई माने मरनी हरनी में कोई चीज़ में। स्कूल में हमारे बच्चों को एक साथ बैठने का अनुमति नहीं था। मुसल समाज हमेशा दारू बनाने में आगे रहते थे, तो बहुत लोग पीने के लिए आते, जो छुआछूत रखेगा, लेकिन दारू के लिए छुआछूत नहीं है, दारू पीने के लिए छुआछूत नहीं है। लड़की महिलाओं के साथ यौन शोषण के लिए भी छुआछूत नहीं है। अच्छा, जो नारी गुंजन का जो बस है, वो बस किस तरह से गांव में काम करता है? बस ऐसा एक मोबाइल लर्निंग सेंटर, वही इसका नाम है। मेरा स्टाफ या हम लोग मिल के कितने गांव में जा कर के बताएंगे शिक्षा क्यों जरूरी है, और उससे बढ़िया है यदि बस में आपका लाइब्रेरी है, जो पढ़े भी नहीं है तो उसके हाथ में एक किताब आएगा तो देखना शुरू करेगा कि क्या है, क्या है इसमें, क्या एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ें बच्चों के मन में जानने की एक इच्छा जगाएगी। बच्चे का बहुत खुश है, कारण वो आते हैं उसको कोई किसी तरह का किताब चाहिए, कभी उसको कुछ कहानी चाहिए, कभी उसको कुछ जोक्स चाहिए, कभी हल्का कुछ पढ़ने के लिए चाहिए, कभी उसको कलरिंग और पेंटिंग कलरिंग के लिए समय चाहिए, मौका चाहिए। उसको कागज भी मिलेगा, पेंट भी मिलेगा, कलर भी मिलेगा। अच्छा, ये नारी गुंजन का काम जो है, उसका उस काम को आपके समुदाय के लोग किस तरीका से देखते हैं? उससे देखते हैं कि मैंने सीखने के मिला, नारी गुंजन मैंने चला था, मैंने सीखा कुछ बनाने के लिए, पढ़ने के लिए सब सीखा। मैं नारी गुंजन से 2010 से जुड़ी हूँ। सब लोग मुसहर से बहुत घृणा करते हैं, उनको बहुत नीच समझते हैं और उनको समाज में कोई रहने की जगह नहीं देते हैं। अब मैं यहाँ रह कर पढ़ाई करती हूँ और जाकर बताती हूँ वहाँ पर कैसे से होता है, बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, अब इसी की वजह से अब गाँव में जो लड़कियाँ हैं अधिकतर सब पढ़ने जाती है, ताकि पढ़ेगी उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम लिखेगी तब यहाँ रह सकती है। पढ़ाई के साथ हर चीज़ का टाइम बना हुआ है कि इस समय में तुमको ये करना है, और अलग अलग स्किल्स सिखाए जाते हैं, गांव में ये सब नहीं सिखाए जाते हैं। तो जो स्किल सिखाया जा रहा है उसका कोई जीवन में उपयोग है? हाँ, कराटे सीखते हैं तो उसमें अगर कहीं जा रहे हैं तो छेड़छाड़ हो रहा है तो हम अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। असल में हमारे बस जब पहुँचते हैं उधर की महिलाएँ भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि महिलाएँ न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एडोलेसेंट लड़कियों का समस्या क्या है, ये सब चीज़ पे जो सिनेमा वीडियो दिखाते हैं लड़की महिला लोग भी आकर के देखते हैं। यहाँ पर महिला थी, लड़की लोग के प्रोग्राम होते थे तब बस पर आते थे लड़का, और फिर बस पर पढ़ने जाते थे, और फिर महिला लोग जाते थे रैली में बस से। मैं उन लोगों को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि वे लोग सबसे ज़रूरतमंद हैं। हम जाकर के जिसका बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ रहे है उसको पढ़ाने से हमारा क्या मतलब है? हमारे मुसहर जाति के बीच में कोई नहीं पढ़ते हैं, लड़की लोग बिल्कुल नहीं, तब उनको पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा तो सबको चाहिए। मैं तो सबसे कमज़ोर जाति के साथ काम कर रही थी,
और वो जाति के बीच में बच्चे लोग पढ़ते उठते नहीं थे, बच्चे लोग कभी स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे कभी साफ नहीं रहते थे। अभी लोगों को नज़रिया के बारे में बात करें तो लोग अभी कुछ नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मली जो आम लोग जैसे सोचते हैं, देखते हैं लोगों को इस तरह से देखते हैं। आज भी मानसिकता बदलना सबसे ज़्यादा जरूरत भी है, सबसे मुश्किल भी है।